नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। आज मई का करंट अफेयर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग का पांचवा वीडियो है। आज हम 21 मई से शुरू करेंगे और इस वीडियो के बाद जो है एक और वीडियो जो है आपके सामने आएगा और मई खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जून को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं, 21 मई से आज हम स्टार्टिंग करते हैं करंट अफेयर्स की। तो NIV या निपाह वायरस अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, लगभग सभी लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। तो केरल के कोझिकोड में सरकार ने एक अज्ञात इन्फेक्शन के चलते हाई अलर्ट घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार निपाह वायरस, जिसका NIV इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक नई उभरती अज्ञात बीमारी है जो जानवरों और मनुष्यों दोनों को गंभीर बीमारी का कारण बन रहा है। तो ये निपाह वायरस है, इसके बारे में जो है और भी जानकारी जो है वो मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, अगर क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि राष्ट्रीय विषाणु संस्थान या नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे में है। मायोकार्डाइटिस क्या होती है, मायो जहाँ पर भी होता है वहाँ का मतलब होता है हार्ट। तो हृदय की दीवार के बीच वाली जो परत होती है उसमें सूजन आ जाना, यानी हृदय की कार्डिक मेम्ब्रेन में सूजन आ जाना उस पर इन्फेक्शन के कारण, तो ये मायोकार्डाइटिस कहलाती है। इसी तरह से इंसेफ्लाइटिस है, इसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं हम लोग कॉमन, और मस्तिष्क में जो है मस्तिष्क में सूजन आ जाने से इंसेफ्लाइटिस हो जाती है। नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किसन गंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है एवं पाकल दुल बिजली परियोजना का शिलान्यास किया है। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा में जिले में 330 मेगावाट की किसन विद्युत जल विद्युत परियोजना स्थित है। किसन गंगा नदी झेलम की सहायक नदी है, इस तरह के कोई भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। और पाकल दुल परियोजना जिसका शिलान्यास किया गया है, ये 1000 मेगावाट क्षमता के साथ पाकल दुल पूरे होने पर जम्मू एवं कश्मीर की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना बन जाएगी। पाकल दुल परियोजना मरुसादर नदी पर स्थित है। यह नदी जम्मू कश्मीर के किस्तावार जिले में चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नई परियोजना है, इस दृष्टि से जो है इसको जो है एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे छोटे फैक्ट, राजिंदर सिंह जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। शिवांगी पाठक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बन गई हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने पुनः चुनाव जीत लिया है, यानी ये फिर से जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब 22 मई की ओर हम लोग मूव करते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 71वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य असेंबली में भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया और यह कार्यक्रम हेल्थ फॉर ऑल यानी कमिट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी इसकी विषय वस्तु थीम थी हेल्थ फॉर ऑल कमिट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत आयोजित किया गया। श्री नड्डा ने वॉक टू टॉक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया, इसमें क्या है हेल्थ फॉर ऑल योगा फॉर ऑल का आह्वान किया गया है। तो ये चूंकि ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई विश्व स्वास्थ्य असेंबली, तो इससे इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है, और इसकी मुद्रा क्या है, स्विस फ्रैंक इसकी मुद्रा है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है, इस बार उसका विषय क्या था, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ द एक्शन फॉर बायोडायवर्सिटी। NYSE क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने स्टेसी कनंगम को अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया है। यह 226 वर्ष पुराने स्टॉक एक्सचेंज की पहली एकल महिला प्रमुख है। ये फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आपको नाम याद रखना है स्टेसी कनिंघम को, जो इसकी प्रेसिडेंट जो है बनी है। भारतीय सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ। 2022 तक 9% की वृद्धि दर प्राप्त करेगा भारत, ये किसने कहा है, नीति आयोग ने कहा है। INSV तारिणी, ये नौसेना का महिला दल विश्व की परिक्रमा पर जो निकला था वो वापस लौट आया है। ISNS तारिणी देश के में निर्मित एक 56 फीट का समुद्री जहाज है, जिसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत निर्मित किया गया था और इसी से एक दल गया था महिलाओं का, जो पूरी दुनिया के सारे समुद्रों की परिक्रमा करके वापस लौटा है।
आगे देखते हैं 23 मई का स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और इनकी गुणवत्ता मामले में भारत 145वें स्थान पर है। तो ये रैंकिंग जारी की गई है और लॉसेंट अध्ययन के अनुसार भारत 195 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड, फिर नॉर्वे, फिर लग्जमबर्ग, ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर हैं। तो आपको भारत का क्रम कम से कम जरूर याद रखना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और उनकी गुणवत्ता के लिए जो सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 145वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बीमारी की निगरानी और टेली मेडिसिन सुविधाओं हेतु निदान नामक एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। भारतीय चुनाव आयोग 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता उल्लंघन रिपोर्टिंग ऐप जो है, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन रिपोर्टिंग ऐप नामक बहुभाषी मोबाइल ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा? देश भर में लोगों को राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कदाचार के सबूत साझा करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल एक तरह से देखा जाए। और भारत निर्वाचन आयोग, इसका गठन किस, ये संवैधानिक प्रावधान है इसका अनुच्छेद 224 के अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं, पोलिश उपन्यासकार हैं ओल्गा टोकाकुर्ज, इन्होंने प्रतिष्ठित मैन बुकर प्राइज 2018 का खिताब जीत लिया है। इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के जो मैन बुकर प्राइज या इस तरह के जो सिंगल वाले अवार्ड होते हैं वर्ल्ड लेवल के, उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और यह सम्मान ओल्गा को उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए दिया गया। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि फ्लाइट्स पुस्तक जो है ओल्गा टोकाकुर्ज ने जो है के द्वारा लिखी गई है, जिसके कारण इनको मैन बुकर प्राइज 2018 दिया जा रहा है। और इसमें भारतीय विजेता कौन कौन है? पहले अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर्स, इनके द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी गई है। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सब जो है अपने देश के जो राइटर्स हैं जिन्होंने पहले भी बुकर प्राइज जीता है। आगे देखते हैं, प्रवीण अग्रवाल को भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की अपने फैसले की घोषणा की है। छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं की शुरुआत की है। तो इसका नाम याद रखिएगा, अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं, और किसने जो है शुरुआत की इसकी? नीति आयोग ने। आगे देखते हैं, बल्लेबाज ईडी जोएसे दो देशों से T20 क्रिकेट खेलने वाले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वो इंग्लैंड और आयरलैंड से खेलते थे। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया। अगला हम फैक्ट देखते हैं, नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत की पहल पर जो है बनाया गया है, इसका 64वां हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया कि सब्जियों में पहला इंडो डच सेंटर फॉर एक्सीलेंस बारामती महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट जो भारत पर आए, उन्होंने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो 64वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है वो कौन सा देश है? नीदरलैंड्स है। 24 मई के हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संक्रामक बैक्टीरिया ट्रैकोमा को समाप्त करने हेतु नेपाल को मान्यता दी है। ट्रैकोमा क्या होती है आप जानते हैं? ये आंखों की एक बीमारी है जो बैक्टीरिया क्लैमीडिया ट्रैकोमैग्नेटिस के संक्रमण से होती है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इससे पूछा जा सकता है। तो ट्रैकोमा जो है क्लैमीडिया ट्रैकोमैग्नेटिस के इन्फेक्शन से होती है। ये आंखों की भीतरी सतह पर सूजन जो है ग्रेन्यूल्स का कारण बनती है। ग्रेन्यूल्स मतलब बहुत
महीन महीन दाने बना देती है वहां पर। दिसंबर 2017 में भारत ने भी खुद को संक्रामक ट्रेकोमा से मुक्त किया गया था। तो अभी हाल ही में कौन मुक्त हुआ है? नेपाल। तो याद रखिएगा, मणिपुर देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। यानी जो देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है वो मणिपुर में स्थापित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सी के प्रसाद को दूसरी बार भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये नेशनल लेवल की नियुक्ति है। तो सी के प्रसाद पीसीआई के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के आचरण की निगरानी के लिए एक वॉचडॉग के रूप में काम करने वाला एक संवैधानिक निकाय है। इसको जरूर याद रखिएगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय प्रेस परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। यह प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत अपना कार्य करता है। भारत, नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड ने एचआईवी एड्स पर सहयोग के कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 13 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। पिछले साल भी इसका आयोजन हुआ था। नीति आयोग और सुशांत सिंह राजपूत ने नीति आयोग की दो प्रमुख पहल भीम ऐप और महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के में सहयोग का फैसला किया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत कितने पे है? 44वें स्थान पर है और यूएसए शीर्ष पर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंकिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का पोजीशन क्या है? 24वां स्थान है। अब हम आगे देखते हैं 25 मई के करंट अफेयर्स। तो आसियान फिल्म महोत्सव की मेजबानी भारत करेगा। सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल युवा के मंत्रालय के राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आसियान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आसियान क्या है? 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके सदस्य देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्री श्री ओम प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल पूर्व से उच्च माध्यमिक स्तर तक राज्यों को समर्थन देते हुए स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना जिसका नाम रखा समग्र शिक्षा योजना लॉन्च की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के नागरिकों को समग्र विकास की आवश्यकता है जिससे शिक्षा का अधिकार बनाकर प्राप्त करें। इस मिशन हेतु MHRD का सृजन 26 सितंबर 1985 को भारत सरकार ने नियम 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से किया था। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए चीन को भेजे गए निमंत्रण को अमेरिका ने वापस ले लिया है। इसका मतलब क्या है कि चीन अब इस सैन्य अभ्यास में नहीं जो पार्ट ले रहा है। चीन ने विवादित क्षेत्र बूढ़ी द्वीप पर बम वर्षक विमान उतारकर तनाव बढ़ा दिया था जिसके कारण 2018 के रिम ऑफ द पैसिफिक जिसका पूरा नाम है रिम पैक सैन्य अभ्यास से चीन की नौसेना को अमेरिका ने बाहर कर दिया है। तो बूढ़ी द्वीप का जो है बात आई है ये विवादित क्षेत्र रहा है तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बूढ़ी द्वीप क्या है? दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़ा पेरासेल द्वीप समूह है और चीन में इसे योगसिंग और वियतनाम में से फुलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। इसके आगे 26 मई से लेकर 31 मई तक का करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।